चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पूरा हंगामा मचा हुआ है। मेरे साथ छात्राएं से बात करती हैं, बताओ यहाँ छात्राओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सही नहीं है। जब हम लोग अपने हॉस्टल के अंदर ही सेफ नहीं है तो फिर क्या ही सेफ। क्या क्या लूज पॉइंट्स आपको लगते हैं जो ठीक होने चाहिए? बाथरूम सही सही है, ऊपर नीचे सब कुछ खुला हुआ है, तो इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। हम लोग से जब अपने हॉस्टल के अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि भाई हम यहाँ पे भी सेफ नहीं है, बाहर भी नहीं जा सकते, बस ये दिक्कतें हैं। वो जो उसने MMS जो वीडियो बनाई है उन लड़कियों की, किस तरह से बनाई है? क्या वहाँ गेट हैं या ऊपर दीवारें नहीं हैं? वो पहले बॉयज हॉस्टल था तो उसके इसलिए गेट छोटे हैं, इसलिए वहाँ पे उन्होंने वीडियो बना ली। अच्छा, अभी ये जो सूचनाएं मिल रही है कि यहाँ कुछ लड़कियों ने सुसाइड का प्रयास किया, उसमें सुसाइड कुछ नहीं हुआ, कोई भी डेथ नहीं हुई है। हाँ, लोग बहुत पैनिक हो गए थे तो पैनिक अटैक वगैरह आया था, पर किसी की डेथ नहीं हुई है। कितनी लड़कियों के वीडियो बनाने की सूचनाएं हैं? 60 लड़कियों की, और ये सच्चाई है इसमें? हाँ जी। आप लोगों ने वीडियो भी देखे हैं, वायरल हुए? हमने नहीं देखी, पर लोगों ने देखी है, जो बता रहे थे हमारे फ्रेंड्स उन लोगों ने देखी है। अभी यहाँ जो पूरा हमें एक घंटे से हंगामा देख रहे हैं, DC है, SP है, किस तरह का जस्टिस मांग रहे हैं बच्चे? ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। इन लोगों ने पूरा स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। कल स्टेटमेंट आया था कि उस लड़की ने मान लिया था कि मैंने करा है, और आज ये लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी वीडियो बनाई थी, तो पूरी स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। तो इसलिए उसके जस्टिस मांग रहे हैं कि पुलिस ने एकदम स्टेटमेंट कैसे चेंज कर दिया, यानी कि मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी छात्र किस उस पर राजी होंगे? हाँ जी, छात्र कैसे राजी होंगे? अब ये सारे पहले प्रूफ दे कि इन्होंने झूठ क्यों बोला है, सच्चाई क्या थी, वो सच्चाई सबके सामने आए। तो ये छात्रा थी, इन्होंने कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, और पहले प्रशासन ने ये कहा कि इस तरह को यहाँ MMS बनाए नहीं है, लेकिन अब कह रहा है कि उन्होंने FIR दर्ज कर लिया है। जब कुछ बनाए नहीं है तो FIR दर्ज क्यों हुई है? मामला बड़ा संगीन है, हजारों की संख्या में विद्यार्थियाँ हैं, SP है, DC है, वाइस चांसलर, लेकिन बच्चे किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे कहें उन्हें न्याय चाहिए, और जो लड़कियाँ जिन्होंने सुसाइड का प्रयास किया था उनको सबके सामने लाया जाए। किसी लड़की की कोई तबीयत खराब है नहीं है, तो वो उसके क्लियरेंस चाहते हैं और बच्चे न्याय चाहते हैं। हंगामा पूरा है, एक घंटे से यहाँ SP है, DC है, वाइस चांसलर है, बच्चों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि लड़कियों की इज्जत के साथ छेड़छाड़ हुई है, खिलवाड़ हुआ है, और यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी कम है, इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए, तभी वो यहाँ पर शांत होंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।